आपके सरकार में कई नेता और मंत्री रहे जो आज उस खेमे में हैं, क्या आपको इस बात की इनपुट मिली है कि भारतीय जनता पार्टी और जेडीयू के बीच में काफी क्लैश है लेकिन दिखता नहीं है? क्लैश है, अब क्लैश है ये उनके मामले हैं, वो बताएं, लेकिन जो हमको छोड़ के गए उनको तो मैं वापस लेने वाला नहीं हूँ। क्या लगता है कि बीजेपी वहाँ दया के पात्र बन के रह गई सरकार में? दया के पात्र ही है। बिहार में उनका क्लेम ये है कि उन्होंने काफी डेवलपमेंट किया है, पुल पुलिया सड़क है, तमाम चीजें। कौन सा डेवलपमेंट किया है जो आपने नहीं किया? यूपीए गवर्नमेंट वन हमारे समय में तो एक पैसा नहीं दिया ना दिल्ली से, ये सब जाते थे नीतीश उसमें थे, ठेंगा दिखाते थे, रावी को पैसा बिहार को मत दो, जंगल राज है, लॉ एंड ऑर्डर खराब है, ये है वो है, पंचायत का चुनाव का भी पैसा नहीं दिए थे लोग। आपकी पार्टी ने आरोप लगाया हाल के बजट को लेकर के कि पूरा बजट केंद्रीय फंडिंग पे आधारित है और बिहार गवर्नमेंट का कुछ नहीं है। पार्टी का फैक्ट है, यथार्थ है, ये अपने रिसोर्स से क्या किए हैं हमको बता दें। 60,000 करोड़ का हम रेलवे का हमने प्रोजेक्ट वहाँ दिया है, 7-7 कारखाना दिया है, जितना पटना में देखिएगा ओवरब्रिज बना है ये हम अपना इरकोन से बनवाया है, रेलवे से बनवाया है। अब पेपर में विज्ञापन दे के पेपर को खरीद करके सर्टेन अखबार को प्रिंट मीडिया को ये बने हुए हैं, गबरखां बने हुए हैं। मीन साहब ये कह रहे हैं कि जो कुछ दिख रहा है वो केंद्र के पैसे का परिणाम है? है, स्टेट इज एजेंसी, ईच एंड एवरी स्टेट इज एजेंसी ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, ऑफ द सेंट्रल फंड जो फंड होते हैं। लेकिन यही दावा जब राहुल गांधी ने किया बिहार के चुनाव में तो लोगों ने उनकी नहीं सुनी? नहीं, उनको राहुल गांधी किया और लोगों को मतलब है प्रॉपर लोगों ने प्रचार नहीं किया, समय नहीं था। कभी आपको लगा कि आपकी लोकप्रियता से नीतीश कुमार थोड़ा जलन महसूस करते हैं? हम जलन क्या, जलन ही जलन है, वो क्या है लोकप्रिय नीतीश कुमार जी, आप चलिए बहुत जगह नहीं बोलिएगा तो पहचानेगा भी नहीं, पब्लिक में छोड़ दीजिए ना उनको, कोई पहचानेगा नहीं है, हमको छोड़ दो अभी चारों तरफ 10-15 हज़ार भीड़ लग जाएगा। लेकिन जब लॉ एंड ऑर्डर की बात करते हैं तो ये कहा जाता है कि बिहार में अब महिलाएं रात को निकल सकती हैं, जो आपके जमाने में नहीं। मर्डर, खून, किडनैपिंग हो रहा है घरों में हिल करके, दीघा में हिल के चारों तरफ मर्डर हो रहा है, बकवास की बात है। आपकी पार्टी ने आरोप लगाया है कि आपके लोगों को परेशान किया जा रहा है। अब परेशान का मतलब टॉर्चर करता, टारगेट करता, डिमोरलाइज करता लोगों को, पकड़ो इनको ट्रायल में डालो, ट्रायल में डालो, सब सब बिल्कुल जितना भी ये बात लोग बोलता है सब बकवास है, बहुत करप्शन है, भयानक करप्शन है, गंद फैल गया है पूरा बिहार में, ब्यूरोक्रेसी हावी है, लूट मचा हुआ है, सेंट्रल फंड का लूट मचा हुआ। परसों पार्लियामेंट में जवाब आया है, एक स्कीम में 0000 पैसा दिया, खर्चे नहीं किया। केंद्रीय राजनीति में आप अपने आप को कहाँ महसूस करते हैं? हम अपना आपकी फ्री है, हम फ्री हैं, केंद्रीय राजनीति में हम आज़ाद हैं और हम अपने दायित्वों का बेहतर ढंग से निर्वहन करते रहते हैं। आई एम वेरी सेटिस्फाइड, हमको बहुत संतुष्ट हम हमको। वो कौन से कारण है कि आप कुछ भी बोलते हैं तो विपक्ष के अलावा कांग्रेस की तालियां पार्लियामेंट में पहले बजती है? फैक्ट है, हमको भीतर जो है वही बाहर बोलते हैं, सच बोलते हैं, देश की जनता जानती है। नहीं भाई, लालू जी सही बात बोला, हर को हर चीज की जानकारी नहीं होती है, कोई किताब कॉपी पढ़ के मैं नहीं जाता हूँ, जो सच्चाई है जो उन चीजों को मैं रखता हूँ मजबूती से। कभी आपको महसूस हुआ कि जैसे नीतीश कुमार कह रहे हैं कि आपके ज़माने में यदि बिहार को विशेष राज्य का दर्जा की बात को आपने गंभीरता से लिया होता तो शायद ये इसमें देखिए अपने फेलियर को कवर करने के लिए इस तरह का बात बोलता, कई एक राज्य स्पेशल स्टेटस मिला वो कहाँ पड़ा हुआ है, ये अपने फेलियर को पीपुल में गलतवादों को पूरा नहीं कर पा रहे हैं न करेंगे, तब ये बोलते हैं कि स्पेशल कैटेगरी हो जाएगा तो हमारा बिहार आगे बढ़ जाएगा। राज्य में मुसलमानों के आप बहुत करीबी नेता रहे हैं, बहुत प्रिय नेता रहे हैं, मुसलमानों की धारणा क्या है इस गवर्नमेंट के बारे में? सबको मोह भंग हो गया एकदम बिल्कुल है, भाई लालू यादव थे तो अडवाणी का रथ पकड़े थे,
आने नहीं दिए, घूमने नहीं दिए, और नीतीश कुमार घुमवाया आडवाणी जी को। जैसे नीतीश कुमार की पूरी उसी पार्टी में, उसी पार्टी के समर्थन से, नरेंद्र मोदी के समर्थन से, उस पार्टी के समर्थन से सरकार चला रहा है और बोलता है कि नरेंद्र मोदी मत आओ नहीं तो भड़क जाएंगे मुस्लिम। आपके शासनकाल में ऐसी कौन सी गलती हुई जिसका आपको पछताता है? नहीं, गलती का मतलब हुआ कि बहुत लोगों ने बदनामी कराई हम लोग के, कई एक जगह एरोगेंसी हुई, और अब पार्टी को मैं अच्छे अच्छे तत्वों को रखने के बजाय बहुत सारे ऐसे लोगों को हम लोगों ने टिकट दे दिया, बना दिया कि वो अपने दायित्वों का निर्वहन नहीं किए, पीपुल के बीच में नहीं रहे लोग। पूरी पार्टी आपके आसपास घूमती है वहाँ डेमोक्रेसी? सारा बिहार के राजनीति मेरे आसपास घूरता है, पंद्रह साल बोलते रहता, लालू को मत रोको, रुको रुको, नहीं तो लालू आ जाएगा तो ये हो जाएगा। आपसे डर क्यों हमको? अब डर है, जानते हैं वोट हमारा है। नीतीश कुमार के आसपास उनकी पूरी पार्टी घूमती है, जैसे आप पूरी पार्टी का वहाँ कोई वजूद नहीं है ना भाई, आपको बताया ना, कोई पार्टी इर्द गिर्द नहीं घूमती, वो सब MLA को चोर ही समझता नेताओं को। NDA 1 में जब नीतीश कुमार थे तो उतना साहस उन्होंने नहीं दिखाया था जितना NDA 2 में दिखा रहे हैं, चाहे MLA लैड का सवाल हो। दिखाएंगे क्या, दिखाएंगे वो राज करना था, आज ही हिम्मत नहीं है, जहाँ गुर्राएगा BJP उस सटक हो जाएगा। तो सत्ता का भूखा आदमी ये लोग कहीं जा सकता है, ये नीतीश कुमार हमसे बेसी आप नहीं जानते हैं, दुनिया नहीं जानती है, हम जानते हैं ना। लेकिन आपके जब आपस में मुलाकात होती है तो किस तरह की बातें होती हैं? कोई बात नहीं होती है। अभी शादी में वो नहीं आए थे, पहली शादी में नहीं आए तो आए, हमारा फर्ज है, ड्यूटी है, राज्य के मुख्यमंत्री है, उनको बुला के लाए, घुमाए उमाए, सबसे मिलवाए, उचित स्थान दिया उनको, बैठो भाई। कोई पॉलिटिकल बातचीत नहीं हुई? नहीं, पॉलिटिकल क्या बात करना। इस गवर्नमेंट में जो मिनिस्टर और नेता हैं वो काफ़ी अपने आप को अपमानित महसूस कर रहे हैं, और उनका ये कहना है कि हम अपनी संवाद, अपनी बात CM के यहाँ नहीं रख पा रहे हैं। इंट्री है ही नहीं तो, 20-20 दिन तक इंट्री नहीं है, कंसल्टेशन है ही नहीं है, डिस्कशन है ही नहीं। वो जानते नीतीश जी हमसे बड़ा, हमारे जैसा जानकार आदमी जो जो अब सरकार में पढ़ा दिया वो चला रहे हैं। कि क्या कारण है कि पूरी नौकरशाही हावी हो गई है उस? वो हावी हुए जानता है लोग, जैसे शशांक शेखर कोई है UP में, किसी को जनप्रतिनिधि को मायावती जी के पास आने नहीं दिया, वैसे वहाँ भी है। क्या इसका कारण यह है कि नीतीश कुमार काम नहीं जानते हैं लिहाजा ब्यूरोक्रेसी ने कब्जा कर लिया, या बिल्कुल नहीं? वो बिल्कुल डरते नीतीश कुमार, अब सर खिलाफ हो जाएगा तो हम हार जाएंगे। मैं डरता नहीं हूँ किसी से। राज्य के कई टॉप ब्यूरोक्रेट आपके संपर्क में लगातार रहते हैं, उनकी क्या पीड़ा? ना हम किसी से बात नहीं करते, हम किसी को टच ही नहीं करते हैं, ना किसी को पैर भी करते हैं, लेकिन सब हमको पता रहता है। कल आपने जम करके रेलवे बजट का विरोध किया और ये कहा कि हमने जो वो जो रेल का आर्थिक दिवालियापन निकल गया हमारे हटने के बाद इन लोगों के 4 साल के राज में, और जनता को जेब का ख्याल किए बिना बढ़ाया, आज जो हश्र हुआ आप देख ही रहे हैं, वहाँ के ममता जी बोली इसको बर्खास्त करो, ये आज मंत्री मिले बोले कि नहीं हम अभी मंत्री हैं, सरकार का बयान आया कि अभी हम लोग विचार कर रहे हैं। विचित्र स्थिति है भाई, बदले हो गया, रोल बैक हो, क्या हो नहीं हो वो तो अलग है, लेकिन व्हाट इज हैपनिंग दिस इज वेरी बैड। लेकिन दिल्ली में जिस सरकार के प्रति आपकी सहानुभूति, वो सरकार दूसरी पारी में काफ़ी घपले घोटालों से घिर गई है। नहीं, घपला घोटाला ये तो छूटने वाला नहीं है, घपले घोटाले ये सब आदत जो पूरी पड़ गई है लोगों को,
चाहे कुछ भी बना लो, कोई कायदा बना लो, लेकिन ये छूटता नहीं है लोगों के मन से, जहन से, उसको ठीक करना चाहिए। कभी आपने महसूस किया कि उस संगति का खामियाजा आपको भुगतना पड़ सकता है, क्योंकि आपकी सहानुभूति है सरकार के प्रति? सहानुभूति है कि कम्युनल फोर्सेस आवे नहीं, इस बात की सहानुभूति है। सोनिया जी अच्छा आदमी है, राहुल कोशिश करते खटते राजनीत है, बहुत ऑर्ड्स देखा उस फैमिली ने, हम लोग किसी को तकलीफ नहीं देते, वो लोग बुरे लोग नहीं हैं, बुरे लोग तो हर जगह चले जाते। शुक्रिया। आपने अन्ना मूवमेंट का भी काफ़ी खिलाफ में अन्ना जी का मूवमेंट एक बेकार का था, वो तो जेपी से तुलना कर रहे थे। नहीं नहीं, नगर स्वामी के लोग शिकार होते हैं और फिर जल्दी से चले जाते हैं। क्या उनका मूवमेंट अभी धान का रोटी तावा में, अन्ना जी का आंदोलन उड़ गया हवा में, खत्म हो गया बात, वो फिर से आ रहे हैं दिल्ली? अरे हमें जहाँ उससे क्या लेना देना, डेमोक्रेसी में सुप्रीमेसी ऑफ पार्लियामेंट है, डेमोक्रेसी में जो इंस्टीट्यूशंस है, जुडिशरी है, इसको नस्नाबूद नहीं करने दिया जाएगा चाहे कोई हो। तो ये थी आज की बातचीत, अगले सप्ताह किसी नए मेहमान के साथ फिर मिलते हैं। थैंक यू।